In this lecture, we will continue the chapter Second Law of Thermodynamics and Entropy. ठीक है, तो एक टॉपिक ये हम डिस्कस करते हैं, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट, मतलब दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. तो ये हमें प्रूफ करना है कि दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते. उसके लिए हमने क्या एज्यूम किया, एज्यूम दैट, हमने एक अजम्पशन लिया दैट टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ्स एंड वन रिवर्सिबल आइसोथर्मल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ए रिवर्सिबल साइकिल. मीन्स हमने क्या एज्यूम किया कि दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं और उनको इंटरसेक्ट कराते हुए हमने एक साइकिल एज्यूम की. पीवी डायग्राम पे एक रिवर्सिबल साइकिल एज्यूम की और उस साइकिल में एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है. देखिए, तो इस तरीके की हमने एक साइकिल जो है वो एज्यूम की है, ए बी सी ए, ये पूरी साइकिल है. ठीक है, और साइकिल का जो रोटेशन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, यानी कि पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है. क्लॉकवाइज साइकिल्स आर पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स आर पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स. तो दिस प्रोसेस ए बी, दिस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. This process BC, reversible adiabatic process, or this process CA, reversible adiabatic process. तो इस तरीके से हमने एक साइकिल एज्यूम की है ए बी सी ए, जिसमें एक रिवर्सिबल है, दो एडियाबैटिक हैं, और ये दोनों एडियाबैटिक जो कर्व हैं वो एक दूसरे को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं. इसका मतलब हमने ये एज्यूम किया कि दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ एक दूसरे को एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, नाउ द क्लोज्ड एरिया इनसाइड ए साइकिल ऑन पीवी डायग्राम शोज द नेटवर्क आउटपुट बाय द साइकिल. अब देखिए, इसके अंदर में ये जो एरिया है, ये कुछ एरिया यहाँ पे शो हो रहा है. तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या शो करेगा, नेटवर्क बाय द साइकिल, यानी कि इस साइकिल से इतना नेट वर्क आउटपुट हमें मिल रहा है. ठीक है, इस साइकिल से इतना नेट आउटपुट हमें मिल रहा है, लेकिन इस साइकिल में दो एडियाबैटिक प्रोसेस हैं. दो एडियाबैटिक प्रोसेस होने का मतलब कि इन दो प्रोसेस बी सी में और सी ए में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा. हीट ट्रांसफर सिर्फ किस में हो सकता है, आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी में, इसी प्रोसेस में सिर्फ हीट ट्रांसफर हो सकता है. इसका मतलब ये जो साइकिल है वो वर्क प्रोड्यूस कर रही है, और हीट ट्रांसफर अगर सिर्फ एक ही प्रोसेस में हो रहा है, इसका मतलब एक ही रिजर्वायर से हो रहा होगा. भाई, ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सिस्टम में कहीं बाहर से हीट ट्रांसफर हो रहा है ना. अब बाहर जहां से भी हम हीट ट्रांसफर लेके आ रहे हैं, उसको हम एक थर्मल रिजर्वायर मान लेते हैं. यानी कि सिर्फ एक प्रोसेस ए बी में इस साइकिल में हीट ट्रांसफर हो रहा है थ्रू ए वन रिजर्वायर, और कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, और ये साइकिल वर्क भी प्रोड्यूस कर रही है. इस साइकिल का जितना भी एरिया है ए बी सी के अंडर में, जितना भी एरिया आ रहा है वो क्या शो कर रहा है, वर्क आउटपुट ऑफ दिस साइकिल. इसका मतलब कि ये साइकिल एक ही रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करके वर्क में कन्वर्ट कर रही है. अब देखो, सवाल ये नहीं है कि कितना कर रही है, कितना भी करे, लेकिन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में तो, केल्विन प्लैंक साहब ने तो ये बोला है कि ऐसा कोई डिवाइस आप बना ही नहीं सकते जो सिर्फ एक ही रिजर्वायर से हीट ट्रांसफर करके उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे. अब ये देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से भी जितना हीट ट्रांसफर करेगा, क्योंकि नेट हीट ट्रांसफर कितना होगा, एक ही प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगा ना, दो तो एडियाबैटिक है, उसमें तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है. तो
तो नेट हीट ट्रांसफर कितना होगा, जितना एक प्रोसेस में हो रहा होगा, और नेट वर्क की ट्रांसफर कितना है, जितना इस साइकिल का एरिया है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से पूरी साइकिल में नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर होता है। तो जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है उतना ही वर्क ट्रांसफर भी होगा। इसका मतलब ये एक ऐसी साइकिल है या कोई ऐसा डिवाइस है जो इस साइकिल पे वर्क कर रहा है और एक ही रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करके उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, विच इज द वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेट। ठीक है, तो अगर ये साइकिल केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वॉयलेट कर रही है, दैट मींस दिस साइकिल इज इम्पॉसिबल। सच ए साइकिल इज इम्पॉसिबल। ये साइकिल इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि दो एडियाबेटिक पाथ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट मींस वी हैव प्रूव दैट टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो कर सकते तो ये साइकिल भी पॉसिबल हो पाती, लेकिन दिस साइकिल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, देयरफॉर अजम्पशन जो हमने लिया था कि दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, द अजम्पशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द रिवर्सिबल एडियाबेटिक इज रॉन्ग। तो जो अजम्पशन हमने लिया था वो गलत है। इसका मतलब दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, ना अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक साइकिल को अज्यूम करते हैं। ठीक है, एक प्रेशर वॉल्यूम पे कर लें या किसी भी प्लॉट पे एक साइकिल हमने अज्यूम की यहाँ पे, जिसपे एक प्रोसेस है 1A2, दूसरा प्रोसेस है 2B1, तीसरा प्रोसेस है 2C1। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो साइकिल है, फर्स्ट साइकिल इज 1A2B1, यानी कि एक साइकिल तो ये है, यहाँ पे देखिए ये वाली एक साइकिल, और दूसरी साइकिल यहाँ पे ये है, ये और ये वाली साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइकिल हैं, 1A2B1 एंड 1A2C1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम द क्लॉसियस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल में डी क्यू बाई टी जीरो होता है कंप्लीट साइकिल के लिए। अब इस साइकिल में दो प्रोसेस हैं, तो हम पहले ये वाली साइकिल को कंसीडर करते हैं, 1A2B1। 1A2B1 इस साइकिल में दो प्रोसेस हैं, दोनों प्रोसेस के लिए अगर हम ये डी क्यू बाई टी लिखते हैं तो वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, एक साइकिल फॉर साइकिल 1A2B1, दो प्रोसेस 1A2 और 2B1। ठीक है, तो 1A2 इस प्रोसेस के लिए हमने लिखा DQ/T प्लस इस प्रोसेस के लिए लिखा 2B1 के लिए DQ/T फॉर 2B1, DQ/T फॉर 1A2। अब ये कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अभी देखिए यहां पे अगर हो सकता है कि किसी प्रोसेस में हीट ऐड हो रही होगी, हो सकता है कि किसी प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही हो, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। अभी हम जो दोनों का साइन है वो पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो DQ/T फॉर 1A2 एंड DQ/T फॉर 2B1, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, दूसरी जो साइकिल है 1A2C1, इस दूसरी साइकिल के लिए इसमें भी दो प्रोसेस हैं, 1A2 और 2C1। ठीक है, तो दूसरी जो साइकिल है 1A2C1, इसमें भी जो दोनों प्रोसेस हैं 1A2 और 2C1, इन दोनों प्रोसेस को कंसीडर करते हुए क्लॉसियस थ्योरम के हिसाब से हम लिखते हैं DQ/T फॉर 1A2 प्लस DQ/T फॉर 2C1
इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल है। यहां पे हमने ये जो साइकिल कंसीडर की है दैट इज अ रिवर्सिबल साइकिल, दिस इज ए रिवर्सिबल साइकिल। तो यहां पे 1A2C1 दैट इज अ रिवर्सिबल साइकिल। इस दो इस साइकिल में दो प्रोसेस हैं, 1A2 2B1, ये दोनों रिवर्सिबल होंगे। दूसरी साइकिल 1A2 और 2C1 ये भी रिवर्सिबल साइकिल है। इस साइकिल में भी दो प्रोसेस है, 1A2 और 2C1 दोनों रिवर्सिबल होंगे। इसका मतलब ये तीनों प्रोसेस 1A2 2B1 और 2C1 ये तीनों क्या है, रिवर्सिबल हैं। इसलिए जो साइकिल बन रही है वो भी रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, रिवर्सिबल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/dt 0 के बराबर। इसीलिए हमने अलग अलग दोनों साइकिल को एज्यूम किया और ये इक्वेशन निकाली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्या हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। देखिए तो dQ/t 1A2 और dQ/t 1A2 ये तो कैंसिल हो जाएगी, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, ये dQ/t फॉर 2B1 और माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, dQ माइनस 2 dQ/t 2C1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो dQ/t फॉर 2B1 माइनस dQ/t फॉर 2C1 इज इक्वल टू जीरो। अब इस ये वाली जो टर्म है 2C1 वाली, इसको हम इधर ले आते हैं RHS में, तो इधर माइनस था, जब RHS में आएगी तो प्लस हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, देखिए dQ/t फॉर 2B1 एंड dQ/t फॉर 2C1 रिवर्सिबल साइकिल के लिए बात चल रही है। ये क्या है, dQ/t यानी कि हीट ट्रांसफर और टेम्परेचर का रेशियो फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस 2B1, ये बराबर है हीट ट्रांसफर और टेम्परेचर के रेशियो के फॉर ए अनदर रिवर्सिबल प्रोसेस 2C1। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे एक तीसरी साइकिल बना सकते हैं जिसमें वो रिवर्स हो रहा होगा 2D1 से, तो वो भी बराबर हो जाएगा इनके बराबर, dQ/t फॉर 2D1। इसका मतलब 2V1 प्रोसेस हो या 2C1 हो या 2D1 हो, तीनों के लिए ये dQ/t जो है वो बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है dQ/t वो प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। भाई प्रोसेस 2B1 हो, 2C1 हो या 2D1 हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तीनों के लिए सेम है। और सेम क्या है इन तीनों में, 2 और 1, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट सेम है। उसका इनिशियल पॉइंट है 2 और फाइनल पॉइंट है 1, और ये तीनों में सेम है। और इसी इन्हीं दोनों पॉइंट के तीनों प्रोसेस में सेम होने की वजह से ये जो एक टर्म है dQ/t ये सेम है। इसका मतलब कि dQ/t इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। और अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसका मतलब dQ/t इज नॉट ए पाथ फंक्शन। और दो ही तरह के फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन। इसका मतलब dQ/t अगर पाथ फंक्शन नहीं है तो दैट इज ए पॉइंट फंक्शन जो डिपेंड कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट पे और फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट पे। और इस तरह के पॉइंट फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ 2 इक्विलिब्रियम स्टेट, इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट और फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है dQ/t ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये पॉइंट पे डिपेंड कर रही है। जो पॉइंट पे डिपेंड करते हैं वो पॉइंट फंक्शन होते हैं और उनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी या पॉइंट फंक्शन। तो पाथ VCD आर डिफरेंट बट क्वांटिटी dQ/t जो रिवर्सिबल के लिए है, ये dQ/t रिवर्सिबल के लिए है। dQ/t क्योंकि सारे जो प्रोसेस है B2B1 2C1 2D1 कैसे हैं, रिवर्सिबल है। तो dQ/t फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज डिपेंडेंट ओनली द एंड इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। हेंस dQ/t मस्ट बी ए प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंट्रोपी, ENTROPY। ठीक है, तो dQ/t जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है,
और इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन या प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंट्रोपी, और इसका सिंबल होता है एस। एस से इसको हम डिनोट करते हैं, कैपिटल एस। कैपिटल एस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यू प्रॉपर्टी कॉल्ड एंट्रोपी, विच इज नॉट ए पाथ फंक्शन, इट इज ए पॉइंट फंक्शन एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो डी क्यू बाई टी इसका मतलब क्या हो गया, डीएस जो हो गया, डीएस क्या है, डीएस इज द चेंज इन द प्रॉपर्टी या चेंज इन एंट्रोपी। तो डीएस क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई टी। डीएस क्या है, चेंज इन प्रॉपर्टी, यानी कि वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। भाई वन पॉइंट पे कितना था और टू पॉइंट पे कितना था, चाहे आप वन से टू पॉइंट पे बी पाथ से गए, सी पाथ से गए या डी पाथ से गए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वन पॉइंट पे कितना था और टू पॉइंट पे कितना था, दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी। डी एस इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन, S2 फाइनल माइनस इनिशियल। अगर 1-2 है तो S2 माइनस S1, और 2-1 है तो S1 माइनस S2। ये क्या होगा, यहाँ पे इसको S2 माइनस S1 नहीं लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं SF फाइनल एंट्रोपी, फाइनल पॉइंट की एंथैल्पी, माइनस SI इनिशियल पॉइंट की एंथैल्पी। ठीक है, तो DS इज फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल। तो DS इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये जो डीएस है, न्यू प्रॉपर्टी जिसको आप एंट्रोपी कह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। अब ये किसके लिए, एक प्रोसेस के लिए हमने अप्लाई किया, दिस इज फॉर ए प्रोसेस। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस, क्योंकि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो एक साइकिल के लिए हैं। जो डिवाइस की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे, हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, वो साइकिल में ऑपरेट कर रहे होंगे, तभी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट वैलिड होंगे, अदरवाइज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट वैलिड नहीं होंगे। इसका मतलब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट दोनों पूरी साइकिल के लिए हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी किसके लिए हो गया, पूरी एक साइकिल के लिए हो गया। तो जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइकिल के लिए क्या होता है, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू नेट वर्क ट्रांसफर फॉर ए साइकिल, और प्रोसेस के लिए हमने देखा बाद में, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जब हमने उसको अप्लाई किया तो वहां से हमें पता लगा कि किसी प्रोसेस के लिए जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो वो होता है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, जहां पे एक नई प्रॉपर्टी का जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। उसी तरीके से जब एक प्रोसेस के लिए हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, और यहाँ पे भी एक नई प्रॉपर्टी का जन्म हुआ जिसका नाम है एंट्रोपी, विच इज नॉट ए पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल फाइनल स्टेट्स ओनली। तो दिस इज नोन एज द एंट्रोपी। तो दिस इज ओनली फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद हम देखते हैं ई रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो हमने क्या किया, वही साइकिल जो 1A2V1 थी, उस साइकिल में जो प्रोसेस 2C1 था उसको हमने इरिवर्सिबल मान लिया। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जनरली हम ऐसा करते नहीं है, बट होता ये है, रूल ये है थर्मोडायनेमिक्स में, कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सॉलिड लाइन से दिखाए जाते हैं, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो डैश्ड लाइन से दिखाए जाते हैं। तो 1A2B1 ये वाली जो साइकिल है, दिस इज रिवर्सिबल साइकिल, दिस इज रिवर्सिबल और ये वाली जो साइकिल है 1A2C1 ये वाली जो साइकिल है दिस इज इरिवर्सिबल। ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं कि जो पहली साइकिल है 1A2B1 ये तो रिवर्सिबल है, 1A2B1 रिवर्सिबल साइकिल है। इस रिवर्सिबल साइकिल के लिए ये जो साइक्लिक इंटीग्रल है डी क्यू बाई टी का, वो कितना होता है, जीरो, अकॉर्डिंग टू द क्लॉसियस थ्योरम। तो क्लॉसियस थ्योरम के हिसाब से ये डी क्यू बाई टी साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होता है रिवर्सिबल साइकिल के लिए।
तो इसके लिए जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई टी वन ए टू वन ए टू, इस प्रोसेस के लिए डी क्यू बाई टी, यानी कि डी क्यू बाई टी साइकिल में जितने भी प्रोसेस हैं उन सारे प्रोसेस का समीशन होगा। तो एक प्रोसेस है 1A2, इसके लिए लिख दिया डी क्यू बाई टी 1A2। एक प्रोसेस है 2B1, इसके लिए लिख दिया डी क्यू बाई टी 2B1। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे क्रॉस कर रखा है, साइक्लिक इंटीग्रल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया कि ये जो डी क्यू बाई टी 2B1 के लिए था इसको हम RHS में ले गए इधर, तो ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव था, तो RHS में जाके निगेटिव हो जाएगा। तो डी क्यू बाई टी 1A2 इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई टी 2B1, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब हम देखते हैं दूसरा साइकिल 1A2C1। अब इस 1A2C1 में एक प्रोसेस रिवर्सिबल है और एक प्रोसेस इरिवर्सिबल है। 1A2 जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है और 2C1 जो है वो इरिवर्सिबल है, इसलिए अगर एक भी प्रोसेस पूरी साइकिल में इरिवर्सिबल होता है तो हम उस साइकिल को इरिवर्सिबल साइकिल ही बोलते हैं। तो इस दूसरी इरिवर्सिबल साइकिल 1A2C1 के लिए देखते हैं, इस इरिवर्सिबल साइकिल के लिए जो साइक्लिक इंटीग्रल है डी क्यू बाई टी का वो क्या होता है, लेस देन जीरो फॉर इरिवर्सिबल। दिस इज, ये कहां से आया, फ्रॉम क्लॉसियस इनइक्वालिटी से। तो डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो फॉर क्लॉसियस थ्योरम से आता है, और डी क्यू बाई टी वो लेस देन इक्वल टू जीरो क्लॉसियस इनइक्वालिटी से आता है, जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी से ये भी आता है, ये कंबाइंडली क्लॉसियस इनइक्वालिटी के अंदर भी आता है। तो दिस कम्स फ्रॉम द क्लॉसियस इनइक्वालिटी के साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो। अब इस इक्वेशन में दो प्रोसेस, यानी कि दोनों प्रोसेस का जब हम डी क्यू बाई टी का समीशन करेंगे तो वो जीरो से कम आना चाहिए। तो समीशन करके लिखते हैं डी क्यू बाई टी फॉर 1A2, ये तो रिवर्सिबल के लिए है, प्लस डी क्यू बाई टी फॉर 2C1, ठीक है। तो दूसरी साइकिल है 1A2C1, इस साइकिल के लिए लिख रहे हैं। तो 1A2 डी क्यू बाई टी 1A2 के लिए प्लस डी क्यू बाई टी 2C1 के लिए, दिस इज लेस देन जीरो, ये क्या होगा, जीरो से कम होगा। अब देखिए इस वाली, ये वाली जो इक्वेशन थी फर्स्ट वाली, यहां से हमने डी क्यू बाई टी फॉर 1A2 प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू निकाली थी, और इसकी वैल्यू थी माइनस डी क्यू बाई टी 2B1। तो ये वाली जो इस साइकिल में जो ये वाली वैल्यू है, इसकी जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू। तो जब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे पुट कर देंगे माइनस डी क्यू बाई टी 2B1, यहाँ पे तो प्लस ही था, प्लस डी क्यू बाई टी 2C1, यानी कि ये वाली जो टर्म थी वो तो एज इट इज डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख दी। तो डी क्यू बाई टी 2B1 प्लस डी क्यू बाई टी 2C1 इज लेस देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे था, तो ये भी एज इट इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये वाली जो टर्म है माइनस डी क्यू बाई टी 2B1, इसको हम इधर लेके जाते हैं RHS में, तो ये माइनस था, उधर RHS में जाके प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, देखिए डी क्यू बाई टी टू सी वन, इसको ऐसे ही रहने दिया, और ये वाली जो टर्म थी वो इधर आ गई RHS में, ये लेस देन इक्वल टू हो गया डी क्यू बाई टी टू बी वन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के लिए डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल के लिए कितना होता है, ds होता है, ठीक है। अभी आपने देखा ही, तो अभी जस्ट प्रूफ किया थोड़ी देर पहले। तो डी क्यू बाई टी फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस ds होता है, और डी क्यू बाई टी 2B1, ये 2B1 क्या है, रिवर्सिबल है, ये तो भाई 1A2B1 ये तो रिवर्सिबल साइकिल थी ना, तो 2B1 रिवर्सिबल प्रोसेस था, 2C1 इरिवर्सिबल प्रोसेस था, तो 2B1 ये तो रिवर्सिबल है, इसका मतलब DQ by T 2B1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, DS लिख सकते हैं, क्योंकि तो रिवर्सिबल के लिए था। तो DQ by T ये 2C1 कैसा था, इरिवर्सिबल था, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, इरिवर्सिबल लिख दिया, और DQ by T 2B1 ये रिवर्सिबल था, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, DS लिख दिया। इसका मतलब जो हमने देखा कि DS जो है वो इक्वल है रिवर्सिबल के लिए डी क्यू बाई टी के, लेकिन ग्रेटर देन है डी क्यू बाई टी से इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है। तो DS
is equals to dq by t for reversible and ds is greater than dq by t for irreversible. तो इसको जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो कंबाइन करके हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ds is greater than equal to dq by t. ठीक है, तो greater than equal to जैसे Clausius inequality में था dq by t is less than equal to zero, वैसे यहां पे भी है ds is greater than equal to ds by dq by t. जहां पे greater than होगा अगर irreversible process होगा तो, और equal to होगा अगर reversible process होगा. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी एंट्रोपी, दिस प्रॉपर्टी फॉर अ प्रोसेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाई टी फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड इक्वल टू जीरो फॉर एन रिवर्सिबल फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, तो दिस इज द न्यू प्रॉपर्टी कॉल्ड एंट्रोपी.